देखते ही देखते वो भाग गया, देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया, देखते ही देखते उसने काम कर दिया। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देखते ही देखते। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एन नो टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस एन नो टाइम। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एन नो टाइम ये वही का वही रहेगा, विच मीन देखते ही देखते। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देखते ही देखते वो भाग गया, ही रन अवे एन नो टाइम। ही रन अवे एन नो टाइम। ही रन अवे ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन वो भाग गया। एन नो टाइम ये हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला है, विच मीन देखते ही देखते। देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया, एवरीथिंग वॉज रुइंड एन नो टाइम। एवरीथिंग वॉज रुइंड एन नो टाइम। देखते ही देखते उसने काम कर दिया, ही डेड वर्क एन नो टाइम। ही डेड वर्क एन नो टाइम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं, वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखते ही देखते वो सो गया, देखते ही देखते वो सो गया। ही स्लेप्ट एन नो टाइम। ही स्लेप्ट एन नो टाइम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। देखते ही देखते हम पहुंच गए, देखते ही देखते हम पहुंच गए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।